सर, मैं आपका रतन सर। तो आज की टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मैं अपने लास्ट लेक्चर में कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कराया था यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो देख लीजिएगा, तभी इस टॉपिक की क्लियरिटी मिलेगा। दोस्त, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में मैं थोड़ा सा स्लो हूं। ठीक है, आपको मैं बताता हूं कि ऑफलाइन में मैं अपने बीटेक फर्स्ट ईयर दैट इज 2014 से पढ़ाता हूं, और एम्स में या आईआईटी में या एनआईटी में हर एक जगह में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो मैं ऑनलाइन में अगर थोड़ा किसी को स्लो लग रहा है तो आप प्लीज अपने स्पीड को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपको इतने एश्योरेंस दे सकता हूं, जो भी लेक्चर्स मैं आपको देता हूं, अगर आप मेरे साथ अच्छे से सुनोगे या पूरा लेक्चर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी उस टॉपिक्स में डाउट्स नहीं रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि मेरे को बहुत कुछ आता है। मैं खुद को आज तक इस सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट मानता हूं और हमेशा इस सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट ही मानूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप जेई या नीट के लिए कर रहे हो तो आपके लिए इतना सफिशियंट होगा कि कोई भी क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं। दोस्त, लास्ट लेक्चर में मैं क्या क्या बात किया हूं उसके बारे में आपको बोलता हूं। पहले, जो लोग देखे नहीं हो, मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। पहला बात, मैं लास्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के बारे में बात किया था। जब मैं पोटेंशियोमीटर के बारे में बात किया था तो उसमें मैं बताया था कि पोटेंशियोमीटर का काम है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और एक बात बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। उसमें क्या हुआ था कि मैं बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर मेजर करता है, फिर भी पोटेंशियोमीटर हम लोग लिए थे बिकॉज पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट था। तो मैं वहां पे अच्छे से समझाया हूं कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट क्यों है, एंड द रीजन वॉज नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन कैसे रीजन होता था तो मैं अच्छे से वहां पे समझाया हूं। फिर मैं वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट समझाया हूं, फिर मैं पूरा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ समझाया हूं, और नीट या जेई का जो आया हुआ सवाल है वो वहां सोल्व किया हूं। प्लीज, ये पोटेंशियोमीटर का लास्ट लेक्चर है, आप सुन लीजिए। पोटेंशियोमीटर में आपकी कोई डाउट नहीं होगा, मैं श्योर हूं। चलिए, जब मैं पोटेंशियोमीटर के दूसरे एप्लीकेशन की बात करता हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए, मैं लास्ट लेक्चर में आपको पोटेंशियोमीटर अच्छे से समझाया था, अब फिर से वही डायग्राम बनाऊंगा। तो अगर आपको सिर्फ ये वाला लेक्चर चाहिए तो आप ये सुन सकते हो, अगर आपको पूरा कंप्लीट पोटेंशियोमीटर चाहिए तो लास्ट लेक्चर भी सुन लेना। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप कंपैरिजन करोगे तो दोस्त, हमने पहले पोटेंशियोमीटर का वायर लिया और हमें अच्छे से पता है पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ हमने एल ले लिया। जैसे मैं एल ले लिया तो मैं आपको बताता हूं, जैसे लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि यहां पे आपके एक पोटेंशियल का जो प्राइमरी सर्किट होता है उसमें हम एक सेल लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, और उसका और एक नाम है ड्राइविंग सेल, और उसका ईएमएफ मैंने दे दिया ई नॉट। दोस्त, जैसे ही मैंने ई नॉट दे दिया, ध्यान से देखिएगा, तो मैं वहां पे आपको ग्रेडियंट निकालना सिखाया था कि एल लेंथ पे ई नॉट है तो वन लेंथ पे ई नॉट बाई एल होगा, और अगर वन लेंथ पे ई नॉट बाई एल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ का नाम ही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है दोस्त, चलिए, जैसे ही यहां तक हो गया तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे एक सेल लगाया जिसका नाम हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, है ना, सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में यहां मान लीजिए ई लिया और यहां आर लिया, और आप यहां पे गैल्वेनोमीटर लिया, और मैंने बोला कि इसका मैं नल डिफ्लेक्शन ढूंढ रहा हूं। फिर से बोला, क्या ढूंढ रहा हूं, नल डिफ्लेक्शन, बिकॉज पोटेंशियोमीटर हमेशा नल डिफ्लेक्शन में काम करता था, तभी एक्यूरेसी आते थे। तो दोस्त, यहां मैं आईजी का वैल्यू दे दिया जीरो, और मैंने नल डिफ्लेक्शन देखा कि दोस्त यहां आ रहा है आपके एक्स में, कितने में आ रहा है, एक्स में आ रहा है। जैसे सुन लीजिए, अगर आप अच्छे से सुनोगे मैं 200% श्योर हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपकी क्लियरिटी हो जाएगा। मैं खुद भी इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूं, लेकिन आप सुनते रहिए मेरे को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मैं हर एक टॉपिक का अपलोड करूंगा, आप बस सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इसका बैलेंसिंग लेंथ है। हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैलेंसिंग लेंथ अगर है तो नीचे से अगर जाएंगे तो इसका वैल्यू अगर e है, और यहां से जाएंगे तो हम लिखेंगे k into x, क्योंकि हम आपको बताए थे कि k ग्रेडियंट है, और दोस्त k जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब यूनिट लेंथ का है, और ये बैलेंस जाके हुआ आपका x लेंथ में, तो मैंने लिखा e equal to kx। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है,
और जब भी नल डिफ्लेक्शन आएगा, इसका मतलब इस आर से करंट जीरो जाएगा, और जब इस आर से करंट जीरो जाएगा तो इसको इक्वेशन में लाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये खुद इक्वेशन में नहीं आएगा, अगर आर इक्वेशन में नहीं आएगा तो हम लोग आर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। तो हमें ऐसे कुछ चुनना पड़ेगा कि नल डिफ्लेक्शन भी आए और इस वाला रेजिस्टेंस आर से करंट भी आए। तो हमने फिर से और एक बार रीडिंग लेने की कोशिश की, इस बार फिर से हमने ये लेंथ एल दिया, ध्यान से देखिएगा, और यहां हमने आपका लेंथ दे दिया ई नॉट, दोस्त सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया ई नॉट। जैसे ई नॉट दिया तो फिर से वही सर्किट है, ग्रेडियंट फिर से ई नॉट बाई एल आएगा। लेकिन हमने क्या किया, जो सेकेंडरी सेल था अच्छे से देखिएगा, उसका ई था और आर था, और यहां पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था। हमने उस सेकेंडरी सर्किट का एक काम किया, हमने सेकेंडरी सर्किट का नीचे हमने एक एक्सटीरियर रेजिस्टेंस लगा दिया, आप समझिएगा प्लीज, तभी आपको समझ में आएगा। और ये एक्सटीरियर लगाने के बाद हमने फिर से उसका बैलेंस पॉइंट को ढूंढा, यानी नल डिफ्लेक्शन को ढूंढा, फिर से हमने उसका आईजी जीरो ढूंढा। अब इस बार क्या हुआ देखिएगा, इस बार दोस्त क्या हुआ कि इस बार नल डिफ्लेक्शन तो शो कर रहा है, यहां से आपकी करंट आईजी जीरो और करंट यहां फ्लो, ये आईजी जीरो है और यहां आपकी जो करंट है वो भी आईजी जीरो है। इसका मतलब करंट जीरो आ रहा है, जीरो जा रहा है, क्योंकि हमें पता है करंट जब भी फ्लो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और उसी का एक लॉ है, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, जो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। मैं उसको भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए, जैसे ही मैं देखा कि यहां एक क्लोज सर्किट है तो मैंने बोला ये अपने में करंट आई फ्लो कर रहा है, पर ना करंट आ रहा है ना करंट जा रहा है। इसका मतलब अगर मुझे ये आई निकालने दो गया, क्या मैं आपको बोल सकता हूं सर आई इक्वल टू ई बाई, ये दोनों सीरीज में है तो आर प्लस आर, क्या यहां तक समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब नेक्स्ट में बोला देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां भी सेम डिफरेंस होगा, और यहां भी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि सारे लोग पैरेलल में है। जैसे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके ये सारे पैरेलल होंगे तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ लिखेंगे या आई आर, और इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे ई माइनस आई आर। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, एकदम बेस्ट वे में समझ में आएगा। इसका मतलब दूसरे वाला हमने लिखा E माइनस आई आर, और इसके ऊपर जाएंगे तो हमने बोला कि रीडिंग मान लेते इस बार Y में आया, तो हमने बोला इज इक्वल टू के वाई। आई होप आपको यह तक समझ में आया। फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब जिस सेल, जो सेकेंडरी सर्किट है, जो सेकेंडरी सर्किट का जो सेल है उसका ई एम एफ ई है और इंटरनेशनल आर है। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। ई है और रेजिस्टेंस आर है, इसका मतलब आप पहले बार जब बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे हो तब आपने नीचे रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो आपके बैलेंस ई आया, क्योंकि आई जीरो है तो ई इक्वल के एक्स। जैसे ही आपने नीचे रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहां पे रेजिस्टेंस के साथ करंट आ गया, तो इस बार बैलेंस ई नहीं हो रहा है, इस बार बैलेंस हो रहा है ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। अगर ई माइनस आई आर बैलेंस होगा दोस्त, तो आप समझिए, पहले ई बैलेंस हो रहा था, अब बैलेंस हो रहा है ई माइनस आई आर। इसका मतलब E और E माइनस आई आर में से E माइनस आई आर आपका छोटा है, और जैसे E माइनस आई आर आपका छोटा होगा तो मैं एक बार डिक्लेयर कर दूंगा कि सर X इज ग्रेटर देन Y, हमेशा और हमेशा X जो लेंथ होगा वो Y से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि आपको पता है कि यूनिट लेंथ में K है ना, तो अगर E एक वैल्यू है और E माइनस एक आई आर एक वैल्यू है तो E E माइनस आई आर वैल्यू से बड़ा वैल्यू है, तो जो लेंथ कोरस्पोंडिंग आएगा वो भी बड़ा लेंथ ही आएगा। सो मैंने बोला x ग्रेटर देन y। आई होप आपको समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। अब देखिए क्या है कि यहाँ e इक्वल टू kx है और यहाँ e माइनस आई आर इक्वल टू ky है, मुझे स्मॉल r निकलना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना। मैं वन और टू, वन एंड टू इक्वेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ e माइनस आई आर की जगह आई आर भी लिख सकता हूँ, और अगर आई आर है तो मैं बोलूंगा आई की जगह ई बाई आर प्लस आर, यहाँ पे आपका ऑलरेडी आर है ना, ये बात समझिएगा। तो ये आपका कुछ हुआ या आई आर, ये वाला आई आर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कुछ है या के वाई, है ना दोस्त। आपको पता है E का वैल्यू कितना है, के एक्स, यानी अगर E का वैल्यू के एक्स तो यहाँ हम पुट कर देगा के एक्स बाई आर प्लस आर, है ना, यहाँ आपका कुछ है या आर और यहाँ लिख देंगे के वाई। आई होप आपको समझ में आया। हाँ सर आया। अब के और के रहेगा या गायब, सर गायब हो जाएगा। तो यहां बताइए, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यहां से कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो यहां आपका ऑलरेडी कुछ था या एक्स आर, क्या था एक्स आर,
ये मल्टीप्लाई होके आपका हो जाएगा सर वाई आर प्लस हो जाएगा सर वाई आर, या से अगर मैं वाई आर लिखता हूं सर तो एक्स माइनस वाई इन टू आर आएगा, और अगर मुझे आर निकालना होगा तो एक्स माइनस वाई इन टू आर बाई आपका वाई हो जाएगा। इसके मतलब मैं आपका इंटरलेशन कैलकुलेट कर लिया। यानी अब समझिए, जब भी हम लोग इंटरलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हम दो रीडिंग लेंगे, एक बार नीचे रेशंस के बिना और एक बार नीचे रेशंस के साथ। समझ में आया? कुछ किताब में क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए सर क्या बोल रहे हैं, उस बात को अगर ध्यान दोगे तो आपकी हर एक क्वेश्चंस की अप्रोच आ जाएगा, और मैं क्वेश्चंस आगे करूंगा। क्या है, कुछ किताब में बोलेगा कि नीचे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक स्विच एस दे दिया, और बोलेगा स्विच एस जो है ना ये ओपन है, और यहाँ पे वही स्विच को आपने क्लोज कर दिया। कुछ किताब में बोलेगा कि यहाँ रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, समझिएगा, या रेजिस्टेंस इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब रेजिस्टेंस इतना हाई है कि करंट फ्लो नहीं होगा, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, पहले नीचे से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और दूसरे वाले में नीचे से फ्लो हो रहा है, तो हो सकता है कि कभी बोले कि रेजिस्टेंस है पर ओपन सर्किट है ना, रेजिस्टेंस है पर स्विच ओपन है, कभी हो सकता है बोले कि रेजिस्टेंस है और उसका वैल्यू इंफिनिटी है। सारे बातें सही है कि करंट फ्लो नीचे से नहीं हो रहा, और यहां पे हमने रेजिस्टेंस देके एक रीडिंग दिया। इसका मतलब रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से पहले, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से पहले जो रीडिंग आया वो एक्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद जो रीडिंग आया उसका नाम है वाई। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से पहले जो रीडिंग आया वो बैलेंस किया ई को, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया तो बैलेंस किया ई माइनस आई आर को। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, बढ़िया सर। तो इसके मतलब मैंने पहले लिखा E equal to Kx और फिर मैंने लिखा E minus IR या IR, मतलब सारे parallel है, is equal to KY, मैंने equate किया, equate करके मुझे एक चीज समझ में आया कि सर पहले X आया फिर Y आया, नीचे Y आया into R, और X और Y में बड़ा X था। तो मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूं कि दो रीडिंग आएगा, एक बड़ा रीडिंग आएगा और एक छोटा रीडिंग आएगा, हमेशा याद रखिएगा बड़ा माइनस छोटा बाई छोटा इनटू आर, और ये जो आर है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आई थिंक आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। इसलिए कुछ बच्चों को मैं देखा हूं जो इसको रट्टा मार के चले जाते हैं, उनको लगता है सीख गया मैं, नहीं गलत, आप इसको याद रख सकते हो पर आपको लॉजिक समझ में आना पड़ेगा, तब ही आप हर एक सवाल कर पाओगे, नहीं तो हर एक सवाल करना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक यहां तक समझ में आया दोस्त। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए क्वेश्चंस लेंगे हम। आप कमेंट्स में हमको बताइएगा कि हम और क्या कर सकते हैं और क्या टॉपिक्स लेके आ सकते हैं। मैकेनिक्स सारे टॉपिक्स लेके आएंगे, फुल फिजिक्स लेके आएंगे, ठीक है? आप बस सपोर्ट करते रहिए। चलिए तो पहले सवाल है 2014, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मैं हर एवरी लेक्चर में यही बताऊंगा कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, डॉक्टर इंजीनियर टीचर सब बन जाते हैं, और जब भी हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे तो हमें धीरे 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 उठना पड़ेगा। तो पहले जब भी क्वेश्चंस हम लेंगे, पहले क्वेश्चंस एकदम ऐसे जाएगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप अगर ग्रोथ होगा तो वहां बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है और बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, कभी घमंड नहीं आता, अहंकार नहीं आता, आप उड़ोगे नहीं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर आपकी अहंकार आ गया, नहीं सर मेरे को तो आता है, मेरे को सब कुछ आता है, मैं देखिए मैं पढ़ाता हूं आपको, 2014 से पढ़ा रहा हूं, है ना, IIT एम्स किसी भी मेडिकल कॉलेज में बोले तो मेरे पढ़ाए हुआ बच्चे है ना, मैं अगर सारे एक जगह मेरे पढ़ाए हुआ बच्चे है, ठीक है, मैं खुद का कोचिंग भी चलाता हूँ, मैं फर्दर कभी आपको नाम बताऊंगा। इसका मतलब आप समझिए कि फिर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे भगवान का देन है, टीचिंग जो आर्ट है मैंने कुछ खुद कुछ नहीं किया, वो भगवान का देन है, मैं बस थोड़ा फिजिक्स पढ़ता हूँ और फिजिक्स का एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है? चलिए देखिए इसमें क्या बोला, बोला कि एक पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोला तो हमारे माइंड में एक चीज फिक्स्ड हो गया, सर दो रीडिंग आएगा, एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बिना और एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, फाइन। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बिना जो रीडिंग आएगा वो बड़ा रीडिंग आएगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो रीडिंग आएगा वो छोटा रीडिंग आएगा, फाइन। तो बोला द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन EMF of 2 volt, fine. उससे ग्रेडियंट आएगा, पर हमें पता है ग्रेडियंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, the potentiometer wire itself is 4 meter long, fine. दो रेजिस्टेंस लगाया, है ना? R connected across बोला, दो बार लगाया, एक बार लगाया infinity, मैंने आपको बता दिया था, और एक बार लगाया 9.5. जब infinity लिया, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का कोई मतलब थोड़ी है, करंट पास नहीं होगा, इतना हाई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब एक बार infinity लिया, तो balancing length
एक बार आया 3 और एक बार आया 2.85। इसका मतलब जब इन्फिनिटी लिया था तो उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो वो बड़ा रीडिंग आ रहा है और एक छोटा रीडिंग आ रहा है। तो मुझे आपने बताया सर इंटरलेशन बताओ, तो मैं बोला बड़ा रीडिंग माइनस छोटा रीडिंग बाई छोटा रीडिंग इनटू आपकी जो रेजिस्टेंस आपने लगाया, आपने कितना लगाया 9.5 लगाया। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको यह समझ में आया तो यहां पे देखिए दोस्त, ये आपके 0.15 है या 2.85 है और ये आपकी 9.5 है। अगर आप इसको कैलकुलेशन पूरा करोगे तो आप आंसर देखोगे 0.5 ओम आ रहा है। आप करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्त, यहां तक समझ में आया? हाँ सर, यहां तक समझ में आया, फिर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? अब क्वेश्चंस करते रहिए तब ऑटोमेटिक हो जाएगा सब, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है सब, है ना। 12th लेवल का फिजिक्स ही तो है, कौन सा बड़ी बात है सब। देखिए क्या बोला, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 60 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। इफ द सेल इज शंटेड, शंटेड मतलब, शंटेड मतलब आपने पैरेलल लगा दिया, समझिएगा आपने क्या लगा दिया, पैरेलल। अब देखिए आपने 6 ओम पैरेलल लगाया, इसका मतलब पहले रीडिंग खाली सेल का जब था वो 60 आ रहा था, जैसे आपने 6 ओम पैरेलल में लगाया तो रीडिंग आ गया 50। और आपको बोला कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, तो आपको पता है दोस्त दो रीडिंग में से बड़ा वाला रीडिंग 60 है, छोटा वाला रीडिंग 50 है, बाई छोटा वाला रीडिंग है और आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया वो 6 ओम लगाया, ठीक है, ओम तो नहीं, ठीक है ओम लगा दिया। अब देखिए दोस्त, या 10/50 है ना, तो 10/50 का मतलब 6/5 आएगा। ऐसा कैलकुलेशन तो मैं करता नहीं ऑफलाइन में, कर रहा हूं ऑनलाइन में, है कि नहीं। चलिए 1.2 ओम, क्या ये आपको समझ में आया? हां सर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा और आप मेरे पे भरोसा कीजिए, जो भी टॉपिक कराऊंगा आपको क्लियरिटी दूंगा, बस सपोर्ट करते रहो, भरोसा रखिए आप, बस इतना ही है। मैं भी इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूं, कोई घमंड नहीं है, आप भी सीख रहे हो मैं भी सीख रहा हूं, ठीक है। चलिए क्या बोला, देखिए For the arrangement, the potentiometer shown in the figure, the balance point is obtained at a distance 75 centimeter from A when key K is open. देखिए वही कहानी आ गया कि key को पहले open रखा, open रखा तो इस resistance का लगाने का कोई काम नहीं है, और उस समय आपकी जो reading आया दोस्त वो आया 75, ध्यान दीजिए कितना आया 75, और जब key को आपने closed किया, key को जब आपने closed किया तो reading आया 60, एकदम simple है ना। इसका मतलब आपको इंटरनेशनल निकालना है, तो आप देखिए बड़ा रीडिंग कौन है दोस्त 75, छोटा कितना है 60, बाई छोटा 60, और आपने जो की क्लोज किया था दोस्त, जब की क्लोज किया था तो रीडिंग आपकी आया 6, तो इंटू 6 दे दू, समझ में आके देखिए आपने ये एक्सटेंशन 6 लगाया ना। अब देखिए दोस्त यहां कितना आएगा 15 आएगा, यहां आपकी 60 आएंगे, इंटू 6 होगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, यानी फिर से 6/4 दैट इज 1.5, आई थिंक आपको समझ में आया। हाँ सर यहां तक समझ में आया, 1.5 ऑप्शन में क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, इस बार सवाल को सुनिए, आप सवाल समझिएगा, रट्टा मारने से हर एक सवाल हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए समझिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जैसे आप मान लो नीट में ही जा रहे हो तो उसमें फॉर्मूला अगर याद है तो आप तुरंत करोगे, तो एग्जामिनर चाहता है कि आप बहुत जल्दी करो तभी तो आप कॉम्पिटिशन में भाग ले पाओगे, राइट। चलिए, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर इंटरनेशनल ऑफ ए सेल By potentiometer, it is found that the balance point is at a length of 2 meter. It's called the balance point 2 meter when the cell is shunted by 5 ohm. इसका मतलब आप मान लीजिए यहाँ आपका cell जो है वो E है, interlations R है और इसको आपने shunt कर दिया, समझिएगा shunt आपने किया 5 ohm में, कितने से shunt किया 5 ohm और वो उस समय reading दिखा रहा था 2 meter पे। अब सुनिए, बोला At a length of 3 meter, when the cell is shunted by 10 ohm, यानी वही सेल है, समझिए ना, फीलिंग्स को समझिए क्या बोल रहे हैं सर, वही सेल है, वही सेल है, पर जब उसको आपने शांट किया 10 ohm से, कितने से शांट किया 10 ohm, तो रीडिंग दिखा रहा है 3 मीटर पे, फाइन सर। बोला आपको इंटरलेशन निकालना है, देखिए आप रट्टा मारने से खत्म का, क्योंकि रट्टा तब ही मारते थे कि सर दो रीडिंग हुआ करता था, एक बार इस रेजिस्टेंस के बिना और एक बार इस रेजिस्टेंस के साथ, अब दोनों रीडिंग रेजिस्टेंस के साथ दिया, इसलिए आपको फिर डेरिवेशन वाला फंडा फॉलो करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखिए आप पहले यहां अगर आई निकालना हो, फिर से बोल रहा हूं क्या निकालना हो, आई, तो पहले आप यहां आई निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो
अगर यहां मैं आई निकलने गया तो आई का वैल्यू आएगा ई बाई फाइव प्लस आर, और अगर यहां मैं आई डैश दे दिया तो आई डैश का वैल्यू आएगा, आप समझिएगा, ई बाई टेन प्लस आर। आई होप आपको समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। अब देखिए ये और ये, ये ये दोनों पैरेलल होगा, वो पोटेंशियल वायर ऊपर होंगे, यस और नॉट, जिस लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, समझ में नहीं आया। और वो कितने लेंथ पे बैलेंस हो रहा था आपको पता है कि 2 मीटर में बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू कुछ होगा या आई आर इज इक्वल टू कुछ होगा या इसका वैल्यू होगा 5 आई, यहां आएगा ई माइनस आई आर और ये आएगा के इंटू 2। तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं क्या सर, 5i इज इक्वल टू के इंटू 2, मेरा पहला रीडिंग आ गया। और यहां देखिए 10i डैश इज इक्वल टू ई माइनस आई डैश आर इज इक्वल टू के इंटू 3। तो मैं लिख रहा हूं आई डैश इंटू 10, ध्यान दीजिएगा, आई डैश इंटू 10 इज इक्वल टू आपका के इंटू 3। आई होप आपको यह तक समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। तो आप देखिए आपको आई पता है, आई डैश पता है, कूट ही तो करना है, तो आप क्या करोगे, देखिए आप करोगे सर 10i डैश डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई 5i इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, 10i डैश बाई 5i इज इक्वल टू यहां पे k इनटू 3 और ये 2 है, तो आप लिख दोगे सर एक काम कीजिए 3/2 करते हैं। अब देखिए ये इधर आएगा, ये 2 टाइम जाएगा तो 4i डैश, i डैश का वैल्यू कितना है देखिए ना, आप बताइए e बाई 10 प्लस r है ना, समझ में आया कि नहीं आया। यहां आपका 3 है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर समझ में आया। यहाँ आपका 3 है ना, तो ये देखिए इधर जाके चला जाएगा तो ये 3 इंटू आई आएगा। आई का वैल्यू कितना आप ही बताइए, आई का वैल्यू है ई बाई 5 प्लस आर। आई आपको समझ में आया। हाँ सर ये ई और ई कैंसिल होगा, ये इधर आएगा तो 20 प्लस होगा 4r, ये इधर जाएगा तो होगा 30 प्लस 3r। आई होप आपको समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। अब देखिए यहाँ 4r और यहाँ 3r माइनस होगा तो यह r आएगा, 30 माइनस 20 दोस्त आपका हो जाएगा 10। आई होप आपका क्लियरिटी है। इसका मतलब हमेशा क्वेश्चन फॉर्मूला से बने ये जरूरी नहीं है, फॉर्मूला तब ही होगा जब दो रीडिंग दिया रहेगा, एक बार रेजिस्टेंस के बिना और एक बार रेजिस्टेंस के साथ, या दोनों रीडिंग रेजिस्टेंस के साथ गिवन है तो हम वही फंडा लगाएंगे जिससे हम डराइव किए थे, जिससे हम पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन को समझे थे। चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप कमेंट्स में बताइए, जैसे ही लगे जो भी टॉपिक आपको चाहिए बताइएगा, तब ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, क्या बोला, अब क्वेश्चन को पढ़िए पहले, है ना। क्वेश्चन बोला कि सर एक बैटरी है, फाइन सर एक बैटरी है, उसका अननोन ईएमएफ कनेक्टेड टू ए पोटेंशियोमीटर हैज बैलेंसिंग लेंथ 560। ध्यान से देखिएगा सर 560 है, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is connected in parallel with the cell, the balancing length change by 60. Okay, बढ़िया। यानी पहले वो बैलेंस कर रहा था 560 पे, समझिएगा कितने में बैलेंस कर रहा था, 560 सिर्फ सेल था, फाइन। जब आपने उसको एक 10 ohm लगा दिया, 10 ohm लगा दिया, इसका मतलब आपने एक बार शांट कर दिया 10 ohm से, तो बैलेंस पॉइंट चेंज हुआ by 60 नहीं हुआ, 60 से चेंज हुआ। क्या बात समझ में आया, अगर 60 से चेंज हुआ तो आपको पता है रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो बैलेंस पॉइंट है वो E माइनस आई आर को बैलेंस करता है, यानी बैलेंस पॉइंट छोटा होता है, और जब छोटा होता है तो पहले 560 था, आप 60 से छोटा हुआ तो आप बैलेंस पॉइंट आ गया 500 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया। हाँ सर, बहुत सारे बच्चे यार 60 ले लेगा, 60 से चेंज हुआ, 60 आंसर नहीं है। अब देखिए आपको आर निकालना है, आपको पता है सर बड़ा माइनस छोटा बाई छोटा इंटू आर, और आर जो है वो आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो आपने 10 लिया है ना सर। चलिए सर, तो ऊपर 60 होगा, यानी ऊपर 60 होगा इंटू 10 होगा बाई 500 होगा, ये कैंसिल हो गया है ना सर। चलिए आंसर आया आपका 6/5, पर ये जेई का सवाल है तो ऐसे पूछा नहीं जा रहा है। बोला उसने एन बाई 10 है, कोई बात नहीं, तो ऊपर 2 दे देता हूं नीचे भी 2 दे देता हूं, तो नीचे आ गया 10 ना, तो 12/10 आया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सब कुछ आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट में हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं भी इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ, बार बार बोलता हूँ, बहुत खतरनाक नॉलेज मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी प्रैक्टिस करते रहा हूँ, सीखते रहता हूँ, वही बहुत है, ठीक है ना। और बींग ए टीचर या बींग ए स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, हमेशा मेरे को प्रैक्टिस करते रहना भी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात क्या बोला, बोला समझिए कि पोटेंशियोमीटर वायर PQ ऑफ 1 मीटर लेंथ इज कनेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड सेल E1, अनदर सेल E2 ऑफ EMF 1.02 वोल्ट। इसका मतलब ये जो E2 है इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है,
फाइन 1.02 वोल्ट कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस आर एंड ए स्विच एस, इसका तो ये रेजिस्टेंस आर है और स्विच एस है एस शोन इन फिगर, विद स्विच एस ओपन नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 49 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू, इसका मतलब सुनिए ये स्विच को जब ओपन रखा, ये स्विच जब ओपन रखा तो क्या प्रॉब्लम है, ये स्विच तो रेजिस्टेंस वाला स्विच है नहीं, इसका मतलब ये ई माइनस आई आर था, और आप यहां से समझिएगा यहां से कितना दूर पे बैलेंस आ रहा है, बोला कि सर 49, ध्यान दीजिए कितने आ रहा है, ये पॉइंट क्यू है, क्यू से कितना आ रहा है 49 है ना, ग्रेडियंट निकलना है, समझिएगा क्या निकलना है ग्रेडियंट, अब देखिए कितना ईजी है, ई टू है, ई टू का वैल्यू कितना समझिए ना प्लीज 1.02 वोल्ट, और 1.02 वोल्ट बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है पूरा लेंथ जो था वायर का 1 मीटर लेंथ है वायर का, अगर वायर का लेंथ 1 मीटर है तो यहाँ 49 है, तो 1 मीटर है तो यहाँ पे 51 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 51 सेंटीमीटर होगा इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि 51 ये 1.02 जो बैलेंस हो रहा है वो के इंटू 51 में बैलेंस हो रहा है ना दोस्त, है ना, अगर k into 51 में बैलेंस है तो k का वैल्यू कितना आ गया, तो कितना इजी क्वेश्चन है 1.02 by 51 है ना, और 1.02 by 51 इसका मतलब आपको पता है वो तो 0.02 होगा, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया, देखिए आप जेई में सवाल आ रहा है क्या ही आ रहा है, अगर आपको आता है तो सब कुछ इजी है मैं बता रहा हूं। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोला, देखिए ये एससी वर्मा का आया हुआ सवाल है, अब समझिएगा इसमें मैं डायग्राम अगर क्लियर नहीं है तो मैं लास्ट लेक्चर में देखा था कि कहीं के डायग्राम में इशू आता है, मैं डायग्राम को क्लियर करूंगा। ये 6 वोल्ट बैटरी, इसका मतलब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना ये ऐसे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है, ठीक है ये आपका, ये इस बैटरी का ये वाला आपका 6 वोल्ट है, ठीक है, और ये वाला ऐसे जा रहा है एक वायर है, और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका डी है, और ये पॉइंट आपका बी है, आई होप आपको समझ में आया, ये 4 वोल्ट बैटरी है, ये ऐसा टर्मिनल है, ठीक है, और ये आपका है 1 ओम, समझिएगा, और ये 1 ओम है, और ये पॉइंट सी है, आप समझिए आप क्या बोला क्वेश्चन है, एसी वर्मा का सवाल है, बोला है 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनेशनल इज कनेक्टेड अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर ए बी, फाइन, अब बताइए द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट वो दिखा हुआ है ना, अब बोला व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए एंड सी, कब उन्होंने एज्यूम किया, ध्यान दीजिएगा प्लीज तभी हमसे हो पाएगा, उन्होंने एज्यूम किया कि पोटेंशियल एट बी को आप 0 मान लीजिए, जैसे मैं बी में 0 वोल्ट माना, आप समझिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है समझा रहा हूं, जैसे मैं बी में समझिएगा आप तो क्लियर कर दूंगा मैं, ये आपका बी पॉइंट था, अरे डायग्राम को यहां लाना चाहिए अच्छा होगा, ठीक है चलिए, जैसे ही आपका समझिएगा ना, जैसे ही यहां पे देखिए 0 वोल्ट माना, ये 6 वोल्ट है तो आपको पता है ये यहां आपके 0 हो जाएगा, या 0 तो यहां आपका 6 होगा, जैसे ही दोस्त यहां 6 होगा तो ये भी आपका 6 होगा, और यहां 4 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 4 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा अगर यहां 4 वोल्ट है तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अगर यहां 4 वोल्ट है तो यहां 6 है तो यहां आपका 2 वोल्ट होना पड़ेगा, फिर से बोलो कितना होना पड़ेगा 2 वोल्ट, अगर यहां 2 हो गया तो सी में भी 2 है, सी में भी 2 है, तो बोला व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए एंड सी, तो आप बताइए ए का 6 वोल्ट होगा और सी का 2 वोल्ट होगा, देखिएगा आंसर ए का 6 और 2 वोल्ट है, फिर बोला सुनिएगा उनकी पार्ट पार्ट सवाल है क्लियर कीजिएगा पूरा, बोला एट व्हिच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी, इसका मतलब जब सी और डी इक्वल होगा उसी को तो हम बैलेंसिंग बोलते हैं, है ना, तो अगर बैलेंस इक्वल होगा तो इसका मतलब देखिए आप यहां 6 है और यहां 2 है तो गैप 4 है, तो यहां कितने में 4 होगा, कितने में क्या होगा 4, तो उसके पास 100 सेंटीमीटर था और 100 सेंटीमीटर में 6 वोल्ट था, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या सर 100, और यहां आपका सी है ना, जैसे 6 है और ये तो डिफरेंस आपका 4 है, तो मैं ऐसे बोला कि सर 6 वोल्ट आपका बैलेंस हो रहा है 100 सेंटीमीटर में, 1 हो रहा है 100/6, तो आपको निकलना है 4 वोल्ट के लिए, तो आप क्या करोगे 100/6 इनटू 4 करोगे ना, इसका मतलब देखिए ये 2 जाएगा यहां 3 जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 200/3 तो होगा वो 67 के आसपास आएगा, क्या आपको समझ में आ गया, चलिए सर आ गया। पॉइंट नंबर सी क्या बोला ध्यान दीजिए प्लीज, सी में बोला इफ द पॉइंट्स सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय वायर व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट, अब देखिए यहां भी 4 वोल्ट है नीचे से भी 4 वोल्ट है, इसका मतलब डिफरेंस 0 है, तो उसी को तो हम बोलते बैलेंसिंग लेंथ है ना,
वैलेंसिंग लेंथ ना, इसका तो इससे कोई करंट जाने वाला नहीं है क्योंकि अक्रॉस सेल फोर है। अगर इंटरनेशनल में कुछ भी ड्रॉप होगा तो ऊपर में फोर आने वाला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जीरो। क्या समझ में आया? नेक्स्ट बोला इफ दी क्या बोला, बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ए एंड बी। समझिए यार, समझिए, देखिए जैसे यहां पे आप 7.5 वोल्ट लगाओगे तो आपको एक बात मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेकेंडरी सेल का जो ईएमएफ होगा वो हमेशा और हमेशा प्राइमरी से छोटा होगा। अब देखिए यहां जैसे 7.5 आएगा तो उसको बैलेंस करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहां आपका जीरो था तो यहां 6 वोल्ट ही रहेगा, पर यहां 6 और यहां पे अगर 7.5 वोल्ट आया, कितना आया 7.5, फिर से बोलो 7.5, तो डिफरेंस 7.5 होना है और ये आपके लोअर में रहना है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2.5 या -1.5। बताइए 7.5 तो -1.5 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या 6 माइनस ऑफ -1.5 7.5 और ये लोअर भी रहना, यस और नॉट, और ये रीडिंग दिखाना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। बोले आया, चलिए फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ये भी एससी वर्मा का एक सवाल है। देखिए ये सवाल अगर आप देखोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप प्लीज थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। क्या बोला सर यहाँ पे, क्या बोल रहा? देखिए बोला कि कंसीडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट एज शोन। एससी वर्मा में पोटेंशियोमीटर के ऊपर दो ही सवाल है, मैं दोनों ले लिया। वायर इज 600 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर गिवेन है, ये वायर का लेंथ गिवेन है 600 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब समझे नेक्स्ट क्या बोला, बोला कि आपकी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए शुड द जॉकी टच। आप देखिए इसमें डायग्राम को मैं आपको समझा रहा हूं, डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा। यहां आपका ये एक है, यहां पे ऐसे दिया हुआ है, ये सेल ये ई गिवन है, यहां रेजिस्टेंस आपका आर गिवन है, प्लीज आप नोटिस कीजिएगा आर गिवन है, और ये वाला जो वायर का रेजिस्टेंस है ना वो गिवन है 15 आर, और ये नीचे से इसको बैलेंस किया जा रहा है, ये बैलेंस किया जा रहा है यू बाई टू को। डायग्राम प्रॉपरली नहीं है तो मैं बना के दे रहा हूं, और ये ऐसे जाके बैलेंस कर रही है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिया गया, समझिएगा प्लीज, तभी आपको क्लियरिटी दे दूंगा, मैं बता रहा हूं आपको पूरा एकदम क्लियरिटी दूंगा, बस ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया। देखिए नोटिस करने का बात यह है, बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन। समझिए दोस्त, यहां रेजिस्टेंस है 15 आर, ऊपर रेजिस्टेंस है आर, इसका मतलब ऐसे जगह में हमको अगर आई निकालना पड़े, है ना, अगर आई निकालना पड़े तो हमें निकालना आता है, कुछ होगा या ई बाई 15 आर प्लस आर, दैट इज कुछ होगा या ई बाई 16 आर। ये बात हम आपको लास्ट लेक्चर में समझा के रखें। अगर आई पता चल गया तो अक्रॉस वायर हम वोल्टेज निकाल देंगे, अक्रॉस वायर वोल्टेज होगा वी, अक्रॉस वायर वोल्टेज होगा आई है E by 16 R, और across wire resistance है 15 R, R cancel हुआ, इसका मतलब voltage आ गया across wire 15 E by 16। I hope आपको समझ में आया। अगर voltage across wire मिल गया तो gradient मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है उसका length है 600, तो आप बताइए balance किसको करना है, E by 2 को करना है, तो जैसे ही मैं E by 2 को balance करूंगा तो कुछ आएगा या K into X, right? देखिए यहां मैं लिख दिया E by 2, ध्यान दीजिएगा K is gradient, ग्रेडियंट होगा 15E by 16 into 600, और ये आपका लिख दिया मैं x, दोस्त ई और रहेगा गायब, है ना। आप देखिए ये बात आप कर पाओगे, है ना, ये आपका जाएगा 40 टाइम्स, है ना, क्या समझ में आया कि नहीं यार, ये इधर जाएगा आपका 20 टाइम्स, तो x का वैल्यू हो जाएगा 320। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया, क्या क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट ये बैलेंसिंग लेंथ उन्होंने तो निकालने दिया, नेक्स्ट उन्होंने बोला सर जो कि टचेस दी वायर एट डिस्टेंस 560 तब हमें करंट निकालना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस हो रहा है 320 लेंथ पे, जैसे ही 560 में जो कि को लगाएंगे तो यह बैलेंस तो नहीं होगा, अगर बैलेंस नहीं होगा इसका तो करंट जीरो होना पॉसिबल नहीं है, तो करंट निकलना पड़ेगा, तो एक सर्किट का सवाल बन जाएगा, क्या ये बनाते हैं। देखिए तो बनाने से पहले इसको मैं मिटा रहा हूं तो वो मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है, वो समझिएगा प्लीज, तब वो मेरे लिए बेटर होगा, क्लियर हो जाएगा, तब जगह मिलेगा तो अच्छे से कर पाऊंगा मैं, एकदम क्लियरली करेंगे। देखिए प्लीज आप समझिएगा तब ही मैं आपको क्लियरिटी दे पाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, अब प्लीज नोटिस कीजिएगा कि सर बोल क्या रहा है, ऊपर ई है और यहां आर है, इसका मतलब अगर मैं इस सर्किट को बनाता हूं, मैं पार्ट बी सोल्व कर रहा हूं, ए सोल्व हो चुका है,
अगर इस सर्किट को बनाता हूं तो यहां आपका ई है और यहां आपका आर है, ये बात में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे से आए हो, आके ये आपका वायर था, प्लीज नोटिस कीजिएगा, इस वायर का आपने एक सेल लिया, ध्यान दीजिएगा सर क्या बोल रहा है, यहां आर है और यहां आपका ई बाई टू है ना, ये जाके बैलेंस हो रहा है 560 लेंथ में, इसका मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है, आपने इसको 560 में लगाया। आप अगर उसको 320 में लगाते तो जीरो करंट दिखाता, अब ये जीरो करंट दिखाने वाला नहीं है तो मुझे करंट निकालना पड़ेगा। जैसे ये लेंथ 560 आएगा समझिएगा, तो ये वाला लेंथ बचा 40, कितना बचा 40, इसका रेजिस्टेंस था 15R, कितना था 15R, इसका मतलब मैं आपको बोल सकता हूं कि 600 समझिएगा 600 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस था 15R, तो वन में हो जाएगा 15R बाई 600 है ना, और यहां लेंथ है 560, तो 560 में इंटू 560 करेंगे, यस और नॉट, जैसे ही हम इंटू 560 करेंगे, अब समझिएगा प्लीज तभी आपको समझा पाएंगे, यानी ये आपका 15R बाई 600 था, इंटू हमने 560 जैसे ही किया, तो आप देखिए कैलकुलेशन करने से आपको पता चलेगा ये आ रहा है 14R, कितना रहा है 14R, देख लीजिए आप, 14R होगा और यहां आपका आ गया R। इसका मतलब इस सर्किट को और थोड़ा बेटर अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए तो सर्किट ऐसे हुआ कि सर यहां E है, समझिए प्लीज, यहां R और यहां R, तो ये दोनों सीरीज हो गया, तो ये हो गया ट्वाइस R, और ये नीचे बीच में एक रेजिस्टेंस है सर जिसका वैल्यू है 14R, क्योंकि दूसरा वाला सीरीज हो गया, और यहां सर एक सेल है और एक रेजिस्टेंस है, वो ऐसे जाके इसका आर है सर, और ये ई बाई टू, क्या समझ में आया? हाँ सर आया। अब मैं ऐसे सर्किट को हमको कैसे करते हैं, ऐसे सर्किट को हम क्या करते हैं, अगर हम नोडल एनालिसिस लगाए या रेजिस्टेंस वोल्टेज या जीरो मान ले तो यह एक्स आएगा, यानी अगर मैं अभी एक्स निकल देता हूं तो मेरा काम हो गया। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका हमें पता है समेशन आई जीरो होगा, समेशन आई अगर जीरो होगा तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस ई, ध्यान दीजिएगा, बाई कुछ होगा या ट्वाइस आर प्लस, इधर देखिए एक्स बाई 14R, नीचे से देखिए क्या होगा, एक्स माइनस ई बाई टू बाई आर इक्वल टू जीरो। आई होप आपको समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं यहां एलसीएम लूंगा तो एलसीएम होगा 14R, जाके वहां जीरो हो जाएगा, 14R होगा, तो यहां मैं लिखूंगा 7x माइनस 7e, यहां आपका आ जाएगा x, प्लीज ध्यान दीजिए तभी तो होता है, फिर ये 2 नीचे आएगा है ना, तो यह 7 जाएगा और ऑलरेडी ऊपर 2x है, तो ये आएगा 14x माइनस 7e इक्वल टू जीरो। आई होप आपको समझ में आया। इसमें से अगर आप करोगे तो देखो इसके आएगा आपका 22x, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहां पे आ गया 22x इज इक्वल टू 14e, अगर x का वैल्यू निकलना होगा तो 7e बाई 11, पर हमें थोड़ी x पूछा, हमें पूछा कि इससे करंट बताइए, तो अगर x मिल गए यहां जीरो है तो करंट निकलना इजी है, अगर यहां करंट निकलना जाए तो क्या करेंगे बताओ, x माइनस क्या होगा बताओ, e बाई 2 बाई r होगा। x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू है 7e बाई 11 माइनस ई बाई 2 बाई आर कर दीजिए, एलसीएम होगा क्या यहां 22, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा आप ही बताइए दोस्त, 22R हो जाएगा, तो यहां 2 टाइम्स होगा ना, 2 मतलब 14 ई है ना, 14 ई माइनस क्या होगा आप ही बताइए 11 ई, इसका तो कुछ होगा थ्राइस ई बाई 22R, क्या यही आंसर है? हाँ सर समझ में आया। क्या आपको समझ में आया? तो ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट कम था, ये नॉर्मल सर्किट ज्यादा था। आई होप आपको क्लियरिटी मिला, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो एनसीईआरटी का सवाल है और ये बहुत इजी सवाल है, ठीक है। ये सवाल क्या बोला देखिए, आप मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा आपको बताऊंगा, बोला कि 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंटरलेशंस ऑफ 1.5 वोल्ट है ना, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इज ओपन सर्किट इज 76.3, इसका मतलब जब ये रेजिस्टेंस आपने नहीं लगाया तो वो 76.3 में आ रहा है, प्लीज आप नोटिस कीजिएगा तभी समझ में आ जाएगा, तब वो 76.3 में आ रहा है, और जब आपने 9.5 लगाया तो 64.8 आ रहा है, आपको क्या निकलने दिया, इंटरलेशंस। इसका मतलब जब भी आप ऐसे करोगे आपको पता है दो लेंथ है, एक बड़ा लेंथ है 76.3 और एक छोटा लेंथ है 64.8 बाई छोटा लेंथ 64.8 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगाया 9.5, अगर ये आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए
ये पोटेंशियोमीटर के बारे में सब कुछ था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या बताइएगा कि नेक्स्ट क्या चाहिए, और नेक्स्ट जब भी आऊंगा मैं प्रॉपर चैप्टर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।